नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में बीती रात से हो रही झिमझिम बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जबलपुर में अभी तक बारिश का आंकड़ा 27.8 इंच के पार पहुंच चुका है। नर्मदा के साथ साथ अब परेड नदी भी पानी बढ़ गया है। जबलपुर को पनागढ़ से जोड़ने वाले मार्ग का पुल डूब चुका है, जिसके चलते लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुरुस्त इलाकों में हो रही बारिश के कारण परेड नदी में पानी बढ़ गया है। स्थानीय निवासी कृष्णा चौकसे का कहना है कि नदी में पानी आने के कारण छोटे वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग पुल पर पानी होने के बाद भी नदी पार कर रहे हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है। उन्होंने बताया कि रांची से पनागढ़ जाने के लिए एक मार्ग यही है जो कि बंद हो गया है। बड़े वाहन निकल रहे हैं पर मोटरसाइकिल से निकलना मुश्किल है। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए इससे जल निकासी की मात्रा कभी भी बढ़ाई जा सकती है। परियोजना प्रशासन ने अलर्ट जारी कर बांध के निचले क्षेत्र के रहवासियों से सतर्क रहने और नर्मदा तट से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है। कार्यपालन यंत्री बरगी बांध अजय सूर्य के मुताबिक पिछले विगत 3 दिनों में बांध के कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश के कारण इसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सुबह 7 बजे जहां 4760 क्यूमिक पानी की आवक हो रही थी, सुबह 7 बजे बरगी बांध का जलस्तर 420.15 मीटर रिकॉर्ड किया है और यह 78.36% पर भर चुका है। बरगी बांध का जलस्तर 420.35 मीटर रिकॉर्ड किया गया है और यह 80% भर चुका है। 15 अगस्त तक बांध का जलस्तर 421 मीटर तक रखा जाना निर्धारित है। पानी की आवक को देखते हुए बांध का जलस्तर 4 अगस्त को 421 मीटर ऊपर पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में बांध के औसतन 1.07 मीटर खुले 5 गेट से 1007 क्यूमिक पानी छोड़ा जा रहा है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।